सबको शुभ नववर्ष।
साथ में ही हैप्पी रंगाली बिहू। तो सबको ही मेरी तरफ से विश कर रही हूँ मैं। और सो आज का दिन यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो थोड़ा बहुत कुछ मैंने पहले ही शूट किया था, तो वो सब मैंने दिखाया है। और अभी हस्बैंड जी और प्राची यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, बोल रही है। सो यहाँ पे वो लोग नाश्ता कर रहे हैं। सो बनाया था मैंने पूरी और साथ में है लाऊ भाजी। सो पानी लाऊ जो होता है ना, उसका ही भाजी एक बनाया है। सो वेज है। सो यही सब बना के अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। सो मैंने नहीं किया अभी तक, वो दोनों कर रहे हैं। और बहुत दिनों के बाद मैंने आज फिर से कैमरा उठाया है कि थोड़ा सा कुछ शूट करूँ और एक ब्लॉग बना दूँ छोटू सा। सो चलिए आज का दिन इसे स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करेंगे तो है तीन, लेकिन हो जाएंगे अभी दो, क्योंकि हस्बैंड जी ऑफिस जाने वाले हैं और छुट्टी नहीं है उनका। सो वो छुट्टी नहीं है तो वो ऑफिस जाएंगे, ऑफिस और मैं ही रहने वाले हैं घर पे पूरा दिन। सो चलिए, और आप लोगों के साथ जो प्राची का ड्रेस है ना, जो नया नया उसे मिला है, वो सब भी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये है, और हमने आज कुछ भी नया कपड़ा नहीं लिया है, जस्ट प्राची को ही नया कपड़ा पहनाया है हमने अभी इस बार हस्बैंड जी और मैंने। तो इसका पहले साल मतलब आगे का साल भी नहीं लिया, तब भी कुछ कपड़ा नहीं लिया था हमने नया, क्योंकि तब तो कोरोना था ना। सो सब लोग घर में अंदर ही थे हम लोग, तो तब भी कुछ नहीं लिया था। और इस बार हम लोग ने कुछ मतलब सोच के ही नहीं लिया है, इस बार हम लोग को नहीं चाहिए इसीलिए नहीं लिया, ऐसा कुछ है। सो और प्राची को दिया है, पर प्राची को उसका मामा ने दिया है चार जोड़ा कपड़ा दिया है। सो आज भी एक वो पहना है उसने, और बाकी सब है, तीन ड्रेस है। और हमने भी ऑर्डर किया था प्राची के लिए, पर अभी तक नहीं आया है, शायद आज शाम तक आ जाएगा, नहीं तो कल तक आ जाएगा। तो हमने भी एक ड्रेस ही दिया है प्राची का, और क्या दूं इतना बहुत है उसके पास, तो इसलिए हमने नहीं दिया, एक ही दिया है, पर वो भी अभी तक आया ही नहीं है। सो ऑनलाइन मंगवाया है और वो आज शाम या कल तक आ ही जाएगा। सो और प्राची ना खिला देता है अभी तो पापा को। चलिए रुकी दिखा। तो देखा आप लोगों ने, खिला दे रही है वो प्राची पापा को। और थोड़ा सा पूरी दे देती हूँ हस्बैंड जी को। सो ऐसे ही आज पूरी और लाऊ भाजी का एक तरकारी, मतलब जस्ट सूखा सूखा एक भाजी बनाया मैंने सुबह की। सो यही है आज का अभी ब्रेकफास्ट। और चलिए, और हमने सबने नहा धो के पूजा करके घर झाड़ू पोछा करके सब कुछ मैंने सुबह कर लिया, और उसके बाद नाश्ता बना के अभी खा के हस्बैंड जी चले जाएंगे ऑफिस, और प्राची और मैं रहूंगी आप लोगों के साथ ढेर सारे बातें करने के लिए। तो आज का दिन यहीं से स्टार्ट करते हैं, चलिए। सो हाय, सो सबको नव वर्षों का हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ में हैप्पी बिहू हम तीनों की तरफ से। सबको हैप्पी नव वर्ष एंड हस्बैंड जी ऑफिस जाएंगे, और अभी मैंने भी नाश्ता कर लिया है, तो नाश्ता वगैरह करके अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, और हस्बैंड जी अभी ऑफिस जाने वाले हैं। तो चलिए अभी हस्बैंड जी को पहले भेज के फिर हम लोग यहाँ से बातें करेंगे ना। और यहाँ पे है प्राची। प्राची ने अपना ड्रेस खराब कर लिया है, देखिए। सो ये है प्राची का आउटफिट जो अभी खराब हो चुकी है ना प्राची। ये क्या कर लिया तुमने? ये तो यहाँ पे ना सब्जी का जो लाऊ का तरकारी बना था उसको इसने फेंक लिया है ना। ये गंदा हो गया ना, ड्रेस चेंज करना पड़ेगा अभी। करोगे, चेंज करोगे?
ये मुझे चेंज करने नहीं देती है। ये अच्छा लगा? रुको 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 रुको, अच्छा लगा? बोलो अच्छा लगा। अगर फ्लाइंग किस दो आस्ते आस्ते। सो मेरे प्राची को आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे उठ गई है, सोफे पे। सो प्राची का पापा चले गए ऑफिस और अभी यहाँ है प्राची। सो लंच मैंने अभी तक बना नहीं, मतलब बनाया ही नहीं, जस्ट पूरी तरकारी वो खा के चले गए, हम लोग ने भी खा लिया है ना। आशा उधर से जंप मरने की कोशिश करती है वो। मैंने इतना उसे समझाया लेकिन समझती नहीं है। उधर से जंप मारेगी तो कभी गिर जाएगी तो क्या होगा, लेकिन सुनती नहीं है ना। देखिए आप बोलिए इस बच्चे के साथ मैं क्या करूं। देखिए देखिए अगर गिर जाएगी तो मैं मना कर दी ना तो सुनते ही नहीं है, तो क्या करूं बोलिए। अभी उधर मैं पकड़े जाऊंगी तो रो देगी, इसीलिए जिस दिन गिरेगी ना उस दिन समझ में आ जाएगी। तो यही है। तो और मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, चलिए। सो आज सभी लोग साग खाते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जो मैंने लगाया था ना पेड़, वही से मैंने यहाँ पे कुछ साग तोड़ के रखा है। तो ये एक साग है, ये वाला एक अलग साग है। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग किस्म का साग है और है अंदर है। सो ये है भेदायलता का जो पत्ता होता है ना, वो वाला पत्ता। सो इसे पकौड़ा बनाने वाली हूँ। यहाँ पे है नरसिंह है ना, उसका पत्ता, और अंदर नीम का पत्ता भी है। हाँ ये है नीम का पत्ता। सो ऐसे करके यहाँ पे मुझे ना सिर्फ पांच प्रकार की सागें मिली हैं। सो यहाँ पे 5 अलग अलग साग हैं। तो यहाँ से कुछ मैं फ्राई करने वाली हूँ, मतलब पकोड़ा के लिए, और कुछ मैं बनाने वाली हूँ साग भाजी यहाँ से। तो इतना है साग। सो वैसे 7 प्रकार के साग आज खाना चाहिए, मतलब हम लोग के घर में खाते हैं, पर मुझे आज यहाँ पे जो भी मुझे मिला है, तो ऐसे मैं कुई साग का जो है ना वो भी ला सकती थी, और लाऊ साग भी है पर ला सकती थी, पर मैंने नहीं लाया क्योंकि वो थोड़ा सा मिक्स होगा क्या, नहीं मुझे इतना बनाने में आता भी नहीं है। जैसे साग फ्राई होता ना ये सब इतना अच्छा से आता नहीं, लेकिन फिर भी बनाती हूँ कुछ भी। तो 5 है मेरे पास, तो 5 से ही हो जाएगा और वहाँ से साग भाजी होगा। और देखिए अभी गिरती ना ये लड़की, बात ही नहीं सुनती है मेरी। सो वहाँ पे 5 प्रकार के साग को मैं भाजने वाली हूँ और कुछ पकोड़ा बनाने वाली हूँ। सो यही है अभी तक का अपडेट। और दाल, सिंपल सा लंच, पर हस्बैंड जी को लंच नहीं मिलेगा, वो होटल पे खाने वाले हैं, हम लोग खाएंगे। प्राची यहाँ सारा दिन क्या करती रहती है उसे भी पता नहीं। देखिए अभी दौड़ लगा रही है और इसके बाद अभी प्राची सो रही है। सो थोड़ा देर सोते सोते मैं फटाफट से खाना बना लूँ। तो चलिए। हाय गाइस, सो देखा आप लोगों ने कि प्राची वहाँ पे सो रही है और मैं आ गई हूँ अभी किचन पे। सो मैं यहाँ पे ले लिया है मैंने दाल और ये है लाव। सो इसे मैं अभी दाल पे देने वाली हूँ। सो लाव से दाल एकदम सिंपल सा पतला सा दाल एक बनाने वाली हूँ। और तो यहाँ पे है साग जो मैंने पहले दिखाया है आप लोगों को, सो ये बनाने वाली हूँ। तो चलिए पहले लाव और दाल बना लेती हूँ। सो अभी मैं किचन पे थी और ये प्राची उठ गई है, देखिए। सो मुझे फिर से आना पड़ा। सो दाल वहाँ पे बैठा दिया था तो दाल हो गया है, और मैंने साग वगैरह भी काट लिया था, पर ये प्राची यहाँ पे उठ के रो रही थी तो मैं आ गई फिर से। हाय बोले दो, हाय। सो चलिए फटाफट से लंच बना लेते हैं ना, लंच खाओगे ना? तो चलो। सो यहाँ पे साग काट के रख दिया मैंने, और यहाँ पे और एक साग जो यहाँ पे मैं भेदायलता का पत्ता है ना उसका पकोड़ा बनाने वाली हूँ। सो चावल का आटा, बेसन, प्याज वगैरह काट के मैंने यहाँ पे ले लिया है। सो वहाँ पे प्राची बैठ रही है और यहाँ पे अभी मैं खाना बनाऊंगी, है ना प्राची? हाँ बस। सो चलिए
दो चीज रेडी हो चुकी है और ये है पत्ता और यहाँ पे है जो लाउ का छिलका है ना, ये वाला पानी लाउ का, सो इसे मैंने रख दिया था। तो ये मैं आलू से अभी फ्राई करने वाली हूँ, एकदम छोटे छोटे पीसेस करेंगे इसके, जैसे कि इसको है ना, मैं दिखाती हूँ, इसको ऐसे करके एकदम छोटा छोटा जैसे पीसेस करूंगी, ऐसे एकदम पतला पतला। सो इसे मैं आलू से फ्राई करने वाली हूँ। तो ये एक हो जाएगा, सो 1 2 3 4 दाल सा है, तो ऐसे करके 4-5 आइटम तो बन ही जाएगा वेज के। अब प्राची खेल रही है मजे से ना, तो खेलती रहेगी और यहाँ पे मैं फटाफट सब्जियाँ जो है वो सब काट लेती हूँ। उसके बाद बना के हम लोग को खाना है। कब नीचे उतर के आ गई मम्मा, ओ बीच ना जाओ ताले तुम के देखा जाए, है जाओ देखिए, हाँ कैमरे के पास सुन के तो चली गई है ओखन, देखिए कि सुंदर देखा जाए, देखो वाह। ऐसे करके सब्जियां इकट्ठा हो चुकी फटाफट से। सो यहाँ पे भेड़ा लता का जो पकौड़ा है वो बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है तो सब मिक्स जो साग है ना वही थोड़ा सा हो गया है। अभी यहाँ पे मैंने बेसन का एक घोल बना के रख दिया है ये सबको फ्राई करने के लिए। यहाँ पे करी पत्ता, आलू और यहाँ पे है लाउ पानी लाउ, तो इसी को मैं अभी ऐसे पकौड़ा बनाऊंगी, बहुत टेस्टी लगता है ये सब ऐसे खाने में। यहाँ पे राइस बन चुकी है और यहाँ पे है लाउ देके जो दाल बनाता ना वो वाला, ये भी हो चुकी है। प्राची खेल रही है देखिए, गुच्चिनु गुच्चिनु। और यहाँ पे ये सब काट कर रखा है, ये सब भी भाजने वाली हूँ मैं, मतलब थोड़ा सा फ्राई। तो ऐसे फटाफट से बनाते बनाते ना बहुत सारे आइटम भी हो चुके हैं बनाते बनाते, तो चलिए फटाफट से ये सब हो जाए उसके बाद लंच करते हैं। सो गैस यहाँ पे मेरा लंच बन चुका है। सो यहाँ पे है लाव का दाल और यहाँ पे है मतलब लाव का जो छिलका है उसका एक भाजी आलू से, और यहाँ पे है साग भाजी, जो 5 प्रकार के साग को मैंने एक साथ भाजा है, और यहाँ पे है 5 मतलब 5 तरीके की फ्राइज। सो यहाँ पे है प्याज का पकोड़ा, ये है आलू का पकोड़ा और ये है लाउ का पकोड़ा और ये है भेदायला का जो पत्ता होता है ना तो उसका एक पकोड़ा, और यहाँ पे है क्या बोलते हैं करी पत्ता का पकोड़ा। सो ये है 5 तरीके के पकोड़े और अभी मैं फ्राई कर रही हूँ पापड़। सो पापड़ फ्राई करके सो ये है हमारा लंच। सो गैस मैंने यहाँ पे ले लिया है लंच अपना, सो पापड़ फ्राई, साग भाजी, यहाँ पे लाव का जो वो उसका भाजी है ना वो, यहाँ पे लाव दाल, आलू का पकोड़ा, यहाँ पे लाव का पकोड़ा, यहाँ पे प्याजी पकोड़ा, यहाँ पे बेदायलोता पकोड़ा और यहाँ पे है करी पत्ता पकोड़ा और ये है मेरा राइस। तो अभी हम लोग लंच करेंगे प्राची और मैं। सो गाइस यहाँ पे हम लोग खाना खा लिया है अभी और खाना खा के अभी हम लोग थोड़ा सा निन्नी। सो प्राची को मैंने सुनाने वाली थी पर दिखी नहीं इसको, ये सोची नहीं है। अम्मा तुम देगा ना क्या नो, तो जैसे कि प्राची बोल रही है नहीं सोएगी और प्राची का ड्रेस मैंने चेंज कर दिया है। सो चलिए थोड़ी देर बाद फिर से मिलती हूँ। Thank you.
चाची ना ये ड्रेस पहन के बाहर जाके इतना घूमी, मतलब आती नहीं है घर पे, फिर भी मैंने ना खींच खींच के लेके आई उसे घर के अंदर। और मैंने ना एकदम सिंपल सा एक ऐसे ही मेखला चादर पहन के प्राची को पहना के मैंने भी खुद ने भी पहन के ऐसे ही, देखिए तो देखिए हम लोग कहीं तो जा नहीं रहे पर घर पे ही बैठ के पहन तो सकते हैं ना। सो आप लोगों ने प्राची को देखा, प्राची ने कितना प्यारा सा ड्रेस पहना है ना, और इसी ड्रेस के मुताबिक मुझे याद आ गई कि अभी तो इवनिंग हो गई है तो अभी हमें चाय नाश्ता भी करना है ना प्राची। हाँ, सो उससे पहले मैं आप लोग के साथ प्राची का कुछ नया ड्रेस वो सब शेयर कर लेती हूँ और इस वीडियो को एंड करूंगी फटाफट से ना। उसके बाद हमें चाय नाश्ता करनी है ना प्राची। चे प्राची से हाय, और ये है प्राची और मेरी लुक नाचा नाचा और यहाँ पे प्राची का कपड़ा मैंने रख दिया था और यहाँ पे प्राची ने टेबल को उठा लिया है, सर इसे मैं नीचे थोड़ा सा कर लिया। घर पूरा मैसी मैसी से होती रहती है क्योंकि प्राची है ना, पता ही है आप लोगों को। सो कोई बात नहीं, सो प्राची और एक बार डांस मम्मा एक बार डांस करो, एक बार डांस ही करो, एक बार डांस ही करो, एक बार डांस। अब लोग बोलिए ना प्राची को कैसा लगा, अच्छा लगा ना। अब मम्मा देखो, हाँ देखो एक बार डांस ही करो, हाँ अच्छा अच्छा ता ता ना 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 ये कपड़ा निकल गया, कपड़ा निकल गया। तो चलिए फटाफट से प्राची का ड्रेसेस दिखाती हूँ। सो बोलो हाय, बोलो हाय। सो यहाँ पे है प्राची का कपड़ा। सो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, मम्मा बहुत बदमाशी करती है आजकल, तुम्हारा कपड़ा देखा वो है, तुम एखान देखा बोले देखो, बोले हाय 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 हाय। एटा तुम्हारा पेन ना। सो ये एक फर्स्ट कपड़ा है, ये देख लीजिए। सो ये वाला ऐसा प्यारा सा एक ब्लू एंड व्हाइट कलर का फ्रॉक है। सो इसके साथ ये मैचिंग पैंट। सो ये है, गांव में जब गई थी ना तब भैया ने दिया था, बड़ा भैया ने। और यहाँ पे है और एक ये ड्रेस। सो ये है रेड एंड व्हाइट कलर का। सो इसका प्रिंट कुछ लव का है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है डेट लव मी। सो इसका साथ ये मैचिंग पैंट। सो ये दिया है छोटा भैया ने। और इसके साथ ये एक फ्रॉक है, थोड़ा सा लॉन्ग है, और ये दिया है जीजू ने प्राची को गांव पे जब गई थी ना तब। सो और ये सब जो ड्रेस है ना, मम्मा मम्मा देखा ये वाला, और आज जो पहना था प्राची ने सुबह का टाइम में, आया देखो ईशा। और यहाँ पे देखिए प्राची इसे पहन रही है, क्या हुआ। सो ये वाला और सुबह को जो पहना था वो वाला, और ये वाला एक देखिए पिंक कलर का, कितना प्यारा सा। सो ये सब बेबी हग का है, फर्स्ट प्राइज से। सो इसका साथ मैचिंग पैंट, और इसका साथ पैंट था या नहीं मैं भूल गई। सो कहीं रख भी दिया होगा तो वो भी मालूम नहीं पड़ेगा मुझे अभी, क्योंकि सब कपड़ा कहाँ से कहाँ चला गया ना। सो और ये वाला इसका साथ स्कर्ट। सो इसका साथ ये स्कर्ट, और इसके साथ ये वाला एक टॉप। सो ये है। सो प्राची बार बार ले रही है मोबाइल को, उसे चाहिए अभी वो देखेगी यूट्यूब में कुछ वीडियो वगैरह। सो मम्मा सो जैसे कि ये एक ड्रेस, और यहाँ पे तीन, और वहाँ पे दो, पांच, और एक ड्रेस है, और एक ड्रेस है, रुको 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 रुको, और एक है वो दिखा देती हूँ, जस्ट लास्ट लास्ट वन लास्ट वन लास्ट वन प्लीज प्लीज अज्जा प्लीज। प्लीज नौटंकी प्लीज। सो और एक है, मैं वो दिखा रही हूँ आप लोगों को। सो
और एक जो ये सुबह पहला था। सो इसमें थोड़ा सा तरकारी लग गया, मैं ये इसे कल वॉश करने वाली हूँ। सो ये भी बहुत प्यारा सा कपड़ा है। सो सब कुछ बेबी हक का है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सब में लिखा होगा, देखिए। सो बहुत कपड़ा सब अच्छा होता है और ये दोनों कपड़ा भी बहुत अच्छा है। सो प्राची को मिला है ढेर सारा गिफ्ट और यहाँ पे 6 जोड़ा कपड़ा प्राची को मिल गया है गिफ्ट में। और ये प्राची ने मोबाइल उठा लिया है और मुझे नहीं देती है। और इसके साथ ही प्राची को जो हमने दिया है, मम्मा मम्मा एक मिनट मिलेगी, जो हमने दिया है ना वो अभी तक नहीं पहुंचा है, तो अभी तक नहीं आई है मतलब ड्रेस। सो वो भी बहुत प्यारा सा ड्रेस मैंने चूज करके दिया था ऑनलाइन पे, पर अभी तक नहीं आई है। और कोई बात नहीं, जब आएगी तब मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। सो प्राची को भी मोबाइल चाहिए और इतना सारा गिफ्ट। प्राची सबको सबको थैंक यू बोलो, बोलो थैंक यू, बोलो बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, बोलो बोलो थैंक यू, बोलो इतना सुंदर सुंदर गिफ्ट देने के लिए थैंक यू मामा, बोलो बोलो। सो थैंक यू सो मच इतना सारा गिफ्ट देने के लिए। और आप प्राची का भी मोबाइल चाहिए ना, वो मुझे नहीं देगी। और ये प्राची का ड्रेस क्या हो चुकी है देखिए, ये रहा। सो हम ना जब दोपहर को सो गए थे तो उठ के सोचा कि कुछ ऐसा थोड़ा सा लुक्स, मतलब दोनों ही पहनेंगे ऐसे कपड़ा और इसे इसका कपड़ा क्या हो गया है। सो ऐसा ही है और देखा हम लोगों ने कपड़ा और हमारा वाला ड्रेस अभी तक नहीं आया है, तो वो भी आने से मैं आपको दिखा दूंगी। और सो चलिए और इस ब्लॉग को और लंबा नहीं। सो प्राची बहुत डिस्टर्ब कर रही है, प्राची से हाय एंड बाय, बोलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी तक के लिए बाय बाय। और आज का दोपहर का जो लंच था ना वो भी बहुत यम्मी था, सब कुछ वेज का जैसा, और सब वेज का जैसे क्या वेज ही था और बहुत अच्छा लगा हमें। और प्राची और मैंने खा के फिर हम सो गए थे और उसके बाद उठ के ये सब कर रहे हैं हम लोग, और अभी खाएंगे कुछ चाय नाश्ता। सो उससे पहले ब्लॉग को करती हूँ एंड, क्योंकि ब्लॉग हो जाएगा बहुत बड़ा। और हम मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नया ब्लॉग के साथ, है ना। सो अभी तक टाटा टाटा बाय बाय, बोलो 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 आ बोलो लव यू। सो बोलिए हम लोगों को कैसा लगा आज, और थैंक यू सो मच इतना सारा गिफ्ट देने के लिए ना, बोलो बोलो मामू और मौसी जीजू ना मौसा सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो टाटा बाय, मिलते हैं बहुत ही जल्द नया ब्लॉग के साथ। तेरे ख्यालों में गुजरता है दिन मेरा, जाना तू जाने ना आशिक हूँ मैं तेरा। तेरे ख्यालों में गुजरता है दिन मेरा, जाना तू जाने ना आशिक हूँ मैं तेरा। सारी रात आए तेरी याद, ऐनी सोनी क्यों लगे तू मैनू, मैं तेरा हो गया, हो जा मेरी तू।